नमस्कार, मैं हूँ सोनिया। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन किया और उसके बाद डिफरेंट कैपेसिटीज में गवर्नमेंट में काम करते हुए प्रशासनिक सेवा में एक लंबा सफर तय किया है। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जैसे सामाजिक मुद्दों पर वो अपनी आवाज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखर तरीके से रखते आए हैं और अंबेडकर दर्शन पर डॉक्टरेट करने के बाद उन्होंने अपने विचार, अपनी सोच को अपनी कलम के जरिए एक किताब की शक्लें दी है जिसका नाम है अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, जिस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही उनके जीवन के तमाम पहलुओं पर भी गौर करेंगे। स्टूडियो में आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजशेखर वुंडरू जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वुंडरू आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सोनिया जी। डॉक्टर वुंडरू, अगर हम चर्चा की शुरुआत करें और इस किताब के बारे में मैं बात करूं, सबसे पहले जो मेरी नज़र जाती है इसके कवर पेज पे और तीन नाम जिसमें लिखे हैं, अगर हम बात करें, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है और साथ ही लौह पुरुष जो आयरन मैन हम कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों को, इनकी अगर हम नाम लें तो अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है और उनका इलेक्टोरल सिस्टम पर इन तीनों की विचारधाराओं को अपनी कलम के जरिए लिख पाना, इस तरीके का विचार जल्दी से शायद एक कॉमन मैन के दिमाग में नहीं आता है। सो मेरा सवाल सबसे पहले शायद यही होगा कि क्या सोच कर आपने सोचा कि इस तरह की किताब मैं लिखना चाहता हूँ। जो हमारे देश के जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही जी देश में ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई जी, उस इलेक्शन की प्रक्रिया 1919 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जी, और इस प्रक्रिया में कई समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय और विमेन के ग्रुप्स और बिजनेसमैन के ग्रुप, इन सब लोगों ने कहा हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जी। उसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाए थे कि इसमें शेड्यूल कास्ट, उन दिनों में उनको अनटचेबल्स और डिप्रेस क्लासेस बोलते थे, उनके भी रिप्रेजेंटेशन की बात कही। तो इस दौर में जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का बना ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनके रोल आया था जी। तो इंडिपेंडेंस से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के रोल था, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल जी के रोल में आया। तो जब मैं इस पे रिसर्च करने शुरू किया, मेरा इनिशियल रिसर्च केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के, उनके जो पूना पैक्ट में जो क्लैश हुई थी और उनके आइडियाज में डिफरेंसेस आए थे जी। बट मैं इसकी स्टडी करते करते कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पहुंचा जी, फिर सरदार पटेल एमर्ज होते जी। तो इसीलिए इन तीनों को इस देश के हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, और ये एक सरप्राइजिंगली इन तीनों ने एमर्ज होके इसमें आए, तो इसीलिए मैं बुक कवर पे इन तीनों के नाम लाने के लिए कोशिश किया और ये बुक रिलीज हुआ और ये आज के दिन एक सेकंड एडिशन। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिसका फर्स्ट एडिशन है वो ऑलमोस्ट सारा सोल्ड हो चुका है और इसका सेकंड एडिशन है जो अब चल रहा है उसका, और मुझे लगता है अपने आप में इन तीनों की फिलॉसफी को, इनके विचारों को रख पाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है और आपको बहुत बधाई भी इसके लिए। इसके अगर हम अंदर बुक के जो चीज़ें भी आपने लिखी हैं उस पर हम जाएँ और इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें, डॉक्टर वुंडरू, हम लोग इंडिया में अभी फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमारा हम चलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलता है हम उसे जीता हुआ मानते हैं, और ऐसे में इन 7 दशकों में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और अब तो देश में एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है, वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात हो रही है, कितना रेलेवेंट मानते हैं अपना प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम को अगर हम इस बुक के जरिए बात करें, क्योंकि आपके बुक में रिव्यूज़ में काफ़ी हद तक मैंने ये पढ़ा है कि जो हिस्ट्री है इज द आंसर टू द फ्यूचर, क्या वाकई ऐसा है? आपने बिल्कुल सही कहे कि हिस्ट्री इज द आंसर टू द फ्यूचर। जो इलेक्टोरल सिस्टम देश में हमारा आया वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, जो फर्स्ट पास द पोस्ट जी, आज के दिन भी ब्रिटेन में वो सिस्टम चलता है, कई देशों में ये सिस्टम नहीं है, कई देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करके एक सिस्टम, बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक सबसे आसान सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले उनको ही जीता माना जाएगा, चाहे उनको केवल वो एक वोट एक्स्ट्रा मिले बिल्कुल,
और टोटल वोट्स जो पोल होते हैं जी उनमें से केवल उनको 20% वोट ही मिले जी, फिर भी वो जीत जाए। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के एक एडवांटेज है जी, वो जब भी गवर्नमेंट्स आपके सामने ले आते हैं बड़े स्ट्रांग गवर्नमेंट्स लाते हैं कि मान लीजिए एक पार्टी 28% ने लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी 30% वोट लिया जी, 30% वोट लेने वाली पार्टी एकदम फुल मेजोरिटी में जी असेंबली या पार्लियामेंट में आ जाएंगी जी, चाहे वो केवल 30% लिए हो और इन दोनों का फर्क केवल 2% हो। आपने कई जगह देखे होंगे गवर्नमेंट 0.5% में भी गवर्नमेंट बन जाते। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने जो सिस्टम लाया, हम इतने साल इस सिस्टम को चलाया कि हमारा एक डेमोक्रेसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और 1950 में एक रिवॉल्यूशन हुआ है जिसको मैंने साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने इस पे अपने मोहर लगाए थे कि वन मैन वन वोट। जब वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट जो सिस्टम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज में था जी, उससे कुछ ही साल पहले ब्रिटेन में वीमेन को वोट राइट दिए थे। वोट राइट पाने के लिए जो अफ्रीकन अमेरिकन है और इवन वीमेन यूएसए में वो भी लड़ाई लड़ रहे थे जी। एकदम हमारे नेशन में ये भी बहस चली थी कि क्या सबको हम वोट दे दें क्या, जो अनपढ़ को भी वोट दे दें क्या जी, हक दे दें क्या, क्या उनको पता है क्या वोट करना। इस बहस को पार करते हुए हमारे कंट्री ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन किया, वन मैन वन वोट जी। उस वन मैन वन वोट को हम अगर 70 years प्लस की डेमोक्रेसी देखते हैं, उसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देखते हैं, हम फेयरली सक्सेसफुल हुए जी। इस देश की डेवलपमेंट, इस देश की जो इंटेग्रिटी की एक पॉलिटिकल सिस्टम ले आते जी। बट जो हम इस स्टेज पे आए हैं कि आज के दिन ये क्वेश्चंस कई बार लोगों ने रेज करते हैं कि क्या जिसको 50% प्लस जो वोट्स नहीं मिले जी, क्या वो सबको रिप्रेजेंट करने लायक। बिल्कुल। सो फिर इसको हम एक नया पहलू में भी देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। बिल्कुल। क्या आप 30% वोट लेके ये बोल देते कि हम सबको हम शासन करेंगे, अगर किसी को 30% 40% वोट मिले हैं जी, मतलब 60% उनके तो खिलाफ थे। बिल्कुल। सो ये डिफरेंसेस हमारे देश में आने लगे। फर्स्ट पास द पोस्ट को उस टाइम में 1950 में सब ने मोहर लगाए थे जी, और उसको एक्सेप्ट किया था कि क्या आज के दिन हम इसको रिव्यू करने के स्थिति में हैं या रिव्यू करना चाहिए। ये भी बात इस किताब के जहर तरीके से हम आ सकते हैं जी। अब डॉक्टर बंद्रू, अगर हम बात करते हैं, जब मैं ये बुक पढ़ भी रही थी तो बीच में जो बातें निकल कर सामने आई और जिस चीज़ की चिंता शायद बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे, कि जो भी समाज के वो तबके हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो कि वो मेन स्ट्रीम या लीग से हट जाएं, आज के दौर में अगर हम बात करें तो भारत में इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि एक मजबूत सरकार हमारे पास है, लेकिन जो आवाज़ें हैं वो अलग अलग क्षेत्र से उठती रही हैं, चाहे फिर बात क्षेत्रवाद की, रीजनलिज्म की हो, चाहे रिलीजन के ऊपर हो या कास्ट के ऊपर हो, ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं अपने आप में और इनसे डील करने की शायद हमें ज़रूरत है। क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको हम कुछ हद तक अचीव कर पाए हैं? आपने तो बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ उठाए हैं। अभी जो इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा और जो डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट द्वारा बाबा साहब ने और महात्मा गांधी जी ने सोचे हैं कि उस तरफ क्या हम सक्सेसफुल हो पाए, नहीं, हम बहुत हद तक हम सक्सेसफुल हो पाए कि देश के दिन आज हम डेवलप हुए हैं और हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड में अग्रगामी देशों में हम आ पाएंगे। यस, हम सक्सेसफुल हो पाए, बट हर एक इंटरेस्ट ग्रुप की, हर एक कम्युनिटी कास्ट की क्या आवाज़ हम सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनके तरफ देख पा रहे हैं या नहीं? क्या कंट्री उनको एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल। एक बेसिक सिस्टम होता है रिच एंड पुअर जी, तो पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ हम जाते हैं जिसमें आपको कास्ट क्रीड उनके इश्यूज नहीं होते। बट हमारा देश में कई रिलीजियंस हैं, कई लैंग्वेजेस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रीजियन, एंड वी हैव लॉट ऑफ कास्ट
उनमें से सबसे ऑप्रेस्ड कास्ट थे, जो अनटचेबल करके जिनको समाज से गांव से बाहर रख कर दिया जाते थे, उनके साथ छुआछूत करते थे, उनके प्रति जो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने जो पूना पैक द्वारा सिस्टम लाए थे, रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस, दैट वाज अ रिवॉल्यूशन। कि एक कम्युनिटी को जब आप गांव के बाहर रखते थे, सडनली उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव आपके असेंबली और पार्लियामेंट में बैठने लगे। एंड ये चीज हुआ 1937 में, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस केम इन 1937। सो उस प्रक्रिया में बाबा साहब ये कहते हैं कि जो पूना पैक्ट द्वारा जो अग्रीमेंट हुई थी, उसमें जो फाइनली इलेक्ट होके आता है जो शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसको सब वोट करते हैं जी। मतलब उनकी जीत सब वोटर्स के ऊपर निर्भर है। तो बाबा साहब ये पॉइंट उठाते हैं कि क्या वो, क्योंकि मेजॉरिटी वोट नॉन शेड्यूल कास्ट की होती, वो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट कर पाते या नहीं। ये बात मैंने इस किताब में लिखा कि बहुत हद तक कई बार वो फेल हो जाते हैं शेड्यूल कास्ट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने में। एक एग्जांपल मान लीजिए, किसी जगह एक एट्रोसिटी हुआ, एक डोमिनेंट कास्ट के पर्सन एट्रोसिटी कमिट किया, वो जो MLA या MP जो रिजर्व कॉन्शियस है, वो एक दुविधा में पड़ जाता जी। क्योंकि मेजॉरिटी कास्ट भी उनको वोट कर रही है, जिनको वोट के तहत जरिए से वो जीत रहे हैं, दूसरी साइड उन जिन कास्ट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात कई बार नहीं कह पाते। सो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और सिस्टम डिवाइस किए थे इसमें, उन्होंने उस सिस्टम में, इसमें तीन चार सिस्टम मैंने लाने के लिए कोशिश किया जो बाबा साहब ने कई बार कहे हैं, हर एक टाइम में 31 में एक सिस्टम कहे थे, 1956 में एक सिस्टम के आइडिया दिए थे, उन सिस्टम्स को मैंने इसमें लाया कि क्या एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाता है या नहीं। बिल्कुल। तो उस इश्यू को लाते हुए बाबा साहब ने एक दो फॉर्मूले दिए थे कि जो जीतने वाला व्यक्ति को कम से कम 25% अपने खुद की कम्युनिटी के वोट्स होने चाहिए जी। तो ये आइडिया मैंने इसमें लाया। डॉक्टर बुंद्रा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है जो ये आपने काम किया है, क्योंकि जो हमारा ये कार्यक्रम भी है, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि हम समाज के उन शख्सियतों से हम इस यहाँ पे रूबरू होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, और मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लोगों को होती हैं। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की और अम्बेडकर साहब की, अगर हम बात करें तो वो सब शायद दूर करने की हैं। आपने टोटली फैक्ट्स को सामने रखा है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग फॉर्मूला उन्होंने सुझाए थे, और हाल ही में जब दूसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से चुनकर आए हैं, उन्होंने सेंट्रल हॉल के अपने भाषण में दो बातें जो उन्होंने कही थी कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की, उन्होंने एक एक्सटेंशन में एक बात कही, और साथ ही नारा जो उन्होंने दिया कि नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशन, जिस पर हम शायद जिक्र भी कर रहे थे कि शायद वो भी मानते हैं कि सभी जो तबके हैं उनको शायद इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वकालत हमेशा से शायद बाबा साहेब अम्बेडकर करते रहे थे, और वो चाहते यही थे कि आखिरकार जो एक देश एक राष्ट्र बने उसकी ही बात हो रही थी कि सारे मेन स्ट्रीम में आ जाएं और कोई भी जो है पिछड़ा हुआ ना रहे। ऐसे में वर्तमान समय में कितना आपको लगता है कि जिस बुक में जो आपने जो कुछ भी लिखा उनके माध्यम से जो सुझाव वो देना चाह रहे थे, आज के टाइम में कितने रेलेवेंट हैं? जी, इलेक्टोरल सिस्टम जो जिस तरीके से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव MLA MP को चूज करते हैं, वो बहुत ही रेलेवेंट है जी। इलेक्टोरल सिस्टम केवल एक इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है दुनिया में, वी हैव सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, वो भी मैंने इस किताब में बड़ा डिटेल में दर्शाया। वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर इलेक्टोरल सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए एक पार्टी 20% वोट पाता है और उनको मिलते हैं 0 सीट्स, इसका मतलब उनके 20% वोट हैं वो तो वेस्ट हुए जी। जो हमारे देश में अभी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हो रहा, यही फॉर्मूला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में उनको, जिनको सीट नहीं आए उनको पार्लियामेंट में उतने प्रतिशत का सीट दे देते हैं जी। एक थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा, यह सिस्टम सबसे बढ़िया डेनमार्क में है, जर्मनी में है, फिर भी जिन देशों में ऑलमोस्ट
इतना वेरिएशन नहीं है लिंग्विस्टिक और कास्ट और रिलीजन में, उन देशों ने भी पार्टीज को ये फॉर्मूला दिया है कि अगर मान लीजिए आप थ्रेशोल्ड हम 3% रखते हैं, आप 3% पार करते हैं और आपको 0 सीट मिलते हैं, आपको जो 3% के तहत आपको वो सीट पार्ट उस पार्टी को मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका जैसे देश जिसमें रेसिज्म के बेसिस पे बहुत ऑपरेशन हुआ जी, वो उस कंट्री भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम करते हैं जी। तो क्या आज के दिन ये मुद्दा दोबारा उभर के आ रहा है क्या, वेदर जो वेरियस पार्टीज है, पार्टी या वेरियस एस्पिरेशंस है, उनकी रिप्रेजेंटेशन केवल आपको 3-4% वोट मिल के रहेंगे, 10% वोट मिल के रहेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा जी। क्या एक पर्टिकुलर पार्टी कंटिन्यूसली डोमिनेट करने से वो डिफरेंसेस रह सकता है जी, क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इन दी इन दिस एज पोस्ट लिबरलाइजेशन 1990 के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से लोगों में डिफरेंसेस भी पैदा हो रहा है, खुल के सोशल मीडिया पे भी आ रहा है जी। क्या इलेक्ट्रल सिस्टम उसको ठीक कर सकता है? इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, ये आगे सोचने वाली बात है। जो जो बात आपने जनरली कहे सबके साथ सबके विकास में, यस हमारा कंट्री इतने वेरिएशन होने के बाद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो मिनिस्ट्रीज क्रिएट किए, प्रोग्राम्स क्रिएट किए, स्कीम्स क्रिएट किए और लगातार क्रिएट करते जा रहे, हम पॉवर्टी को बहुत बड़ी हद तक रिड्यूस किए हैं और डिफरेंसेस बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज उस डिफरेंसेस को रिड्यूस किए हैं। हम ऐसे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट ने दिया है सेम इलेक्ट्रल सिस्टम द्वारा, सेम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये दिए हैं, सो वी आर एबल टू रिड्यूस दैट सिस्टम आल्सो। बिल्कुल, बट रीजनल एंड कास्ट कम्युनिटी एस्पिरेशंस को हम देखभाल कर पा रहे हैं नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बदलते वक्त के साथ जो एक बदलाव और तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही हैं समाज में, शायद उसके हिसाब से हमें कुछ एडजस्टमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है। ये जो बहस चल रही है डॉक्टर बुंदरू, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्योंकि आपने इलेक्टोरल सिस्टम पर इतना रिसर्च किया है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी आपको क्या वाकई लगता है कितना सही है और क्या वाकई भारत के लिए ये एक मुकम्मल तस्वीर सामने ला सकता है और बचत होगी? जी, वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड आइडिया जी, बिकॉज हमारा वेरियस टाइम पे वेरियस इलेक्शंस होते रहते स्टेट्स में और सेंटर में, सो एज एन आइडिया इट इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया, इट इज़ अ प्रैक्टिकल आइडिया एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड डू न्यू थिंग्स। हमें ये एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए एंड एज अ डेमोक्रेसी हमें ये देखना चाहिए कि whether it is helpful or not, whether लोगों को एक ही बार में अपना जनमत दे। कई स्टेट्स में भी हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश में और अभी उड़ीसा में भी हुआ, असेंबली एंड पार्लियामेंट इकट्ठे हुए थे, सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। बट अगेन हम किताब में इस बात को ला सकते, इशू ये है कि दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रल सिस्टम, राइट, चाहे आप वन नेशन वन इलेक्शन जरूर करिए बट इलेक्ट्रल सिस्टम और मेथड क्या है। True. So whether हम फर्स्ट पास द पोस्ट के मेथड में जाएंगे वेयर 60% ऑफ द वोट्स जो वेस्ट ना हो, इन द सेंस कि 0.5 डिफरेंस पे 0.1 डिफरेंस पे एक पार्टी मेजॉरिटी पे आए, रिप्रेजेंटेशन। सो लोग, क्योंकि एक टाइम में शायद ये इतना उभर के नहीं आया होगा, आज के दिन पीपल लोगों का जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया द्वारा, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बार बार ये प्रश्न जरूर उठते आएगा। मुझे लगता है कि ये इन द फ्यूचर आफ्टर वन और टू इलेक्शन सर्टनली ये बात उभर के आएगा जी। जिस पार्टी को 20% वोट मिला हो और उनको एक सीट भी नहीं मिला हो, सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू सर्टनली कम अप। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस किताब में जो हिस्ट्री और थ्री मेजर नेशनल बिल्डर्स की जो बातें आए हैं वो आगे वी शुड ऑलवेज इवॉल्व। अभी तक कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है एक ही सिस्टम पे टिका हो, कंट्रीज हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड, नए नए सिस्टम्स को लाया देखा। एंड जैसे हमारा राज्यसभा का इलेक्शन है, इट इज नॉट बाय फर्स्ट पास द पोस्ट, इट इज आप जो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है,
जी आप फर्स्ट प्रेफरेंस एक मेंबर को कर सकते हो, अगर मान लीजिए 5 लोगों को इलेक्ट करना है उसमें प्रेफरेंस है जी, फर्स्ट प्रेफरेंस, और केवल आप एक पर्सन को प्रेफरेंस करके बाकी को प्रेफरेंस ही ना दो। बिल्कुल, आपने शायद बिल्कुल सही कहा कि शायद अगले आने वाले सालों में ये सवाल अपने आप में बहुत लाजमी है कि उठने वाला है कि रिप्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर कम्युनिटीज को मिले, और जो भी जीत रहा है उसको क्या वाकई उस स्टेट से या फिर उस कंट्री से अगर हम बात कहें क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। डॉक्टर मुंद्रू, इससे हटकर अगर मैं बात करूँ आपकी फैमिली का, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं एज अ जर्नी, आपने काफ़ी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है, और एज अ राइटर भी अब अपने आप को आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं, एक सफ़र को कैसे देखते हैं, क्या वाकई टाइम मिल जाता है अभी भी लिखने के लिए? ये एक्चुअली जिस सर्विस में हम हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जी, वो काफ़ी आपको व्यस्त रखता है जी, बट जो जो पढ़ाई, जो जिस पढ़ाई के तहत हम सर्विस में आते हैं जी, उस पढ़ाई को एक इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए जी, एंड वो मुझे मौका मिला जी, एंड लगातार पढ़ते रहा मैं। बेसिकली मैं सेपरेट इलेक्ट्रेट को पढ़ना शुरू किया था जी, कि ये क्या सेपरेट इलेक्ट्रेट है, क्यों आए हैं और क्यों ये सिस्टम बंद हो चुका है जी, और इस सिस्टम के तहत हमारा कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट हुआ था। राइट, सेपरेट इलेक्ट्रेट अब कुछ कंट्रीज में है, कई कंट्रीज में नहीं है। नहीं है सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम, ये है जहां केवल आपके समुदाय के वोट वो कैंडिडेट खड़े होंगे, केवल वही लोग वोट करेंगे। मान लीजिए हम इसको विमेन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बना सकते हैं, केवल विमेन खड़े होंगे और केवल उन्हीं विमेन वोट करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि वो जो इलेक्टेड पर्सन है केवल उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करें जी। तो ये पढ़ते जो मेरे जर्नी में कंटिन्यूसली पढ़ता रहा कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर इतना मैंने पढ़ाई कर लिया कि मैंने सोचा इस पर एक PhD किया जाए जी। सो नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में मुझे मौका मिला था, क्यों फिर वहाँ उनको पेश किया था, उनको अच्छा लगा जी। सो क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम है, इलेक्ट्रल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा इलेक्ट्रल लॉज में है, सो मुझे ऑफकोर्स मैं ये किताब हमारी वाइफ नीरजा को मैंने डेडिकेट किया और बच्चे उदयन और तामरा को डेडिकेट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया पढ़ने के लिए, इतना टाइम मुझे दिया। कहीं ना कहीं शायद बहुत वक्त लग गया आपको ये लिखते वक्त, जैसे अब हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इंटरव्यू से पहले भी, जब भी बात हम रिसर्च की करते हैं डॉक्टर बुंद्रू, अगर हम भारत की बात करें तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसे जिक्र भी किया, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन भारत में R&D के मतलब मुद्दे पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि R&D को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? और जो आजकल के जो नए राइटर्स हैं जो गंभीर मुद्दों पर लिखना चाहते हैं, जो इस तरीके के मुद्दों पर लिखना चाहते हैं जो इतिहास की बात करते हैं, और वहाँ पे शायद फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए शायद रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी वहाँ पढ़ाई MSc में हुआ था जी, बट मैंने शिफ्ट कर लिया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनटू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जो R&D टू दैट एक्सटेंट कि हमारा जो साइंस में जो फोकस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए जी, एंड बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये मौका मिलना चाहिए, अगर मैं एक PhD लेवल तक पहुंचूंगी मुझे सफिशिएंट स्कॉलरशिप मिलेगा, बिकॉज देर इज ऑलवेज ए प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स कि ओके मैंने BA कर लिया मुझे नौकरी करना, अगर मैंने डिप्लोमा कर दिया और मैं बहुत मुश्किल से MA किया, पीपल डोंट गो बियॉन्ड मास्टर्स जी, सो 100% एंड कंपल्सरी PhDs में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा, उनको अपना जो इंटरेस्ट है सर्टनली दे विल डू रिसर्च, वेदर इट इज इन साइंस और इन सोशल साइंस, एंड देन इतना गंभीर मुद्दों पे, कई मुद्दों पे लोग रिसर्च करेंगे लाएंगे, सो इन्वेस्टमेंट इन टू R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन फर्स्ट स्टेप कुड बी स्कॉलरशिप, मुझे भी स्कॉलरशिप मिला, मैं बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इंसेंटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, अगर हम बात करें, अगर फ्यूचर असाइनमेंट्स की बात करूँ डॉक्टर बुंद्रू, क्या कुछ है, क्या वाकई कुछ और भी लिखने का सोच रहे हैं फ्री टाइम में? ओह यस, आई एम करंटली स्टडिंग लीडरशिप के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, ओके, बिकॉज जो 3 नेशन बिल्डर्स इस किताब में आप लिख के, इफ यू आर लुकिंग एट गांधी, महात्मा गांधी जी 22 साल साउथ अफ्रीका में रहे थे,
फिर जब वो इंडिया में आए थे एज ए लीडर कैसे एमर्ज हुए, बिल्कुल इट्स अ मेजर. इसके ऊपर ऑफकोर्स बहुत रिसर्च हुआ है कि एमर्जेंस ऑफ गांधी एज अ ग्रेट लीडर. सिमिलरली बाबा साहब अम्बेडकर भी अमेरिका में और लंदन में पढ़ के आए थे, वो एक लीडर जैसे एमर्ज हुए. सरदार पटेल जी कैसे एमर्ज हुए. सो एंटायर लीडरशिप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एंड वी नीड गुड लीडर्स आज के दिन भी कंट्री में. सो मैं मेरा करंट स्टडी ऑफकोर्स लीडरशिप पे हो रहा है. जी डॉक्टर वंद्रो, क्योंकि समय की बहुत कम है हमारे पास और मैं चाहूँगी कि एक सवाल जो शायद सबके जहन में रहता है, जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्होंने हर चीज़ को लेकर, चाहे वो इकोनॉमी से लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर उन्होंने बात की थी, हर मुद्दे पर उनके अपने स्पष्ट तौर पर विचार थे. लेकिन आज के टाइम में हम उनको एक तबके तक सीमित होकर ही पढ़ते हैं और वैसे ही उनको शायद रिफ्लेक्ट भी किया जाता है. क्या कारण रहा और किस तरीके से हम उनके जो व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को लोगों तक पहुँचा सकते हैं? इनिशियली ये बात बार बार आता है कि बाबा साहब केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनका इनिशियल जर्नी था शुरुआत इस पर्टिकुलर अनटचेबल या डिप्रेस्ड क्लास, आज के दिन शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उनके तरफ काम हुआ था. बट जब उनको मौका मिला था कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में उनके बाद जो उन्होंने हिंदू कोड बिल, जो विमेन्स के राइट्स की बात करें, उन्होंने जब भी उनको मौका मिला सबके बारे में बात किए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उन्होंने लाए उसमें, उसी की वजह से हम आज के दिन इतना फ्री स्पीच है. अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं जी. हमारा नेबरिंग कंट्रीज, हम एक रिजिलियंट है, वेरी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है जी. एक केवल बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सो आज के दिन यूथ को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो विमेन के लिए, राइट्स के लिए लड़े थे, यूथ के लिए लड़े थे, वो सबके लीडर है. इट इज स्लोली इवॉल्विंग, पीपल आर रियलाइजिंग, लेबर के लिए, विमेन के जो मैटरनिटी लीव बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे, सो इट इज एमर्जिंग एंड ही विल, ही इज ऑलरेडी एमर्ज्ड एज अ ग्रेट लीडर. और मेरा आखिरी सवाल यही होगा डॉक्टर वंद्रो, जो आपकी किताब है अम्बेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो किताब है वो पहुँचनी चाहिए और वो एक इतिहास को जानना शायद बहुत ज़रूरी है, क्लियर फैक्ट्स जानने के लिए कि क्या कुछ जो बातें वो सामने रही थी, और इसके समझने के लिए कि जो हम आगे भविष्य में जो हम इलेक्टोरल सिस्टम जो प्रेजेंटली चल रहा है कि वाकई उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्यों हमारे दर्शक इसे पढ़ें और किस तरीके से आप कोई एडवाइस देना चाहें? जो हमारे देश में जो ये तीन लीडर्स हैं जी, अम्बेडकर, गांधी, पटेल, जो आज के दिन इलेक्शन को लेके बहुत डिस्कशंस होते हैं जी, हर इलेक्शन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिशियंस को लेके, अगर समझना है इस देश में सिस्टम कैसे आया जी, लीडर और ये लीडरशिप कैसे इमर्ज हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको, सो जरूर इस किताब में आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और प्रेजेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे जी. और मैं इस ये किताब तीन लैंग्वेजेस में आ रहा है, मराठी, तेलुगु एंड हिंदी. Okay. शायद इसकी अवेलेबिलिटी कई लैंग्वेजेस में भी हो जाएगा, तो आई थिंक दैट इज व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वंद्रो कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको जो बुक आपने लिखी है. कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन जरूर जो है लोगों के क्लियर हुए होंगे. तो ये इसी के साथ की अगली बार फिर मुलाकात होगी एक ताबिंदा शख्सियत के साथ. अब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार. थैंक यू.